दिख रहे हैं, 482 करोड़ का स्टैंड अलोन मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। ग्रासिम के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर, कुणाल जी चार्ट तैयार रखे, मैं नतीजे पढ़ रहा हूँ। 314 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले में 482 करोड़, तो पहली नजर में मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। तो काफी बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं, कम से कम पहली नजर में घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है ग्रासिम। तो पहला रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ ग्रासिम का आंकड़ा, मुनाफे का दमदार आंकड़ा, स्टॉक 25 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस वक्त आपको। यह है ग्रासिम के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बाकी रिजल्ट्स में मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ग्रासिम ने अपने दमदार रिजल्ट्स पेश किए हैं ये साफ दिख रहा है। डिटेल में देखना होगा ऑपरेशनल फ्रंट पर किस तरह के रिजल्ट्स हैं, लेकिन 215 करोड़ रुपए के घाटे के सामने आपके लिए 482 करोड़ का मुनाफा आता दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा हमारा अनुमान ये 660 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, देखते हैं किस तरह का आता है। और मार्जिन्स का हमारा जो अनुमान है वो 17% का है, तो इन अनुमान के मुकाबले में जो जो नंबर्स आपके सामने आते जाएंगे, 3875 करोड़ रुपए के आसपास आय आने का हमारा अनुमान है, सेल्स का अनुमान है। तो ये रिजल्ट्स ग्रासिम के आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ रिजल्ट्स आए और डिटेल्स आए, उससे पहले सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा है, एक बार जल्दी से चार्ट पर राय ले ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी बताएं, उससे पहले आय का आंकड़ा आ चुका है 3763, हमारा अंदाजा था 3873, यानी कि हमारे अनुमान से 110 करोड़ आय कम आई है। आय का आंकड़ा हमारे अनुमान से 110 करोड़ कम है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। तो अब देखना यह है कि वन ऑफ किसी तरह की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, या फिर वाकई में कामकाजी मुनाफा काफी तगड़ा किया है। और इसका जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर, बेहद शानदार बेहद दमदार रिजल्ट्स। कामकाजी मुनाफा 805 करोड़, हमारा अंदाजा था 659 करोड़ का, तो बड़ी बीट आती हुई दिख रही है 659 करोड़ के सामने, करीबन आप समझ लीजिए 145 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा। तो बेहद शानदार बेहद दमदार रिजल्ट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं ग्रासिम के। अब चार्ट बताइए कुणाल जी। अनिल जी 1480 पर सपोर्ट है, सपोर्ट से बाउंस आता हुआ दिख रहा है, मुझे काफी बड़ा हेडरूम दिखता है, 1600 तक जाएगा। तो मेरी राय में अनिल जी, जिन्होंने भी खरीदा है होल्ड करें, नई खरीद भी इन स्तरों पर कर सकते हैं, 1480 का एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है स्टॉक 1600 तक जाएगा, थोड़ा धीमी गति से चलता है, लेकिन 1600 का टारगेट होना चाहिए, ग्रासिम बिल्कुल इन स्तरों पर बाय करना चाहिए।